हेलो स्टूडेंट्स, इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू लर्न 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश लेसन 3.6, दैट इज द कॉन्सर्ट। वीडियो मैक्सिमम रिजोल्यूशन पे देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आंसर आपके डाइजेस्ट का है और कुछ स्टूडेंट्स को नवनीत का डाइजेस्टी का चाहिए वीडियो, किसी को रिलायबल का चाहिए। तो ये फिलहाल तो ये नवनीत का है। अगर आपको दूसरा चाहिए तो आपको वो भी मिल जाएगा, कॉमेंट में बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए पैराग्राफ दिया गया है, पैराग्राफ से रिलेटेड यहाँ पे टफ वर्ड्स की मीनिंग दिए गए हैं और उसी पैराग्राफ से रिलेटेड आपको ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो वार्मिंग अप का क्वेश्चन है यहाँ पे, जो आपको स्टार्टिंग में दिया जाता है, ठीक है। और आपके हर एक सब्जेक्ट की वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो आप चेक कर सकते हो। अलग प्ले लिस्ट हिंदी, इंग्लिश, मराठी तीनों लैंग्वेज के राइटिंग स्किल्स भी अपलोडेड हैं। अलग अलग प्ले लिस्ट बने हुए हैं, निबंध का अलग से बना हुआ है, आप चेक कर सकते हो। और आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो इसी तरह से कॉमेंट में बताते जाइए। अब जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, राइट विच इमोशंस आर रिवील्ड इन दीज सेंटेंसेस। तो यहाँ पे देखो दिया गया, पंडित रविशंकर प्लेइंग टुमारो एट षणमुखानंदा ऑडिटोरियम। सो ये क्या है यहाँ पे, एक्साइटमेंट। और सेकेंड का यहाँ पे आंसर दिया गया है ये रहा। वीडियो मैक्सिमम रिजोल्यूशन पे देखेंगे तो एकदम क्लियर दिखेगा। यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया गया है, चूज द अप्रोप्रिएट एडवर्ब और एडजेक्टिव फॉर्म टू फिल इन द गैप्स। ऑलरेडी आंसर्स दिए गए हैं, शी स्पोक इज एन इन एन एक्साइटेड टोन। अब यहाँ पे एक्साइटेड दिया गया है, यहाँ पे एक्साइटेडली दिया गया है, हमें क्या बोला है, एडवर्ब या एडजेक्टिव, क्या यहाँ पे फिट बैठेगा वो। तो यहाँ पे एक्साइटेड, तो ये क्या है, एक्साइटेड टोन या एडजेक्टिव। आई विश्ड द नॉइज वुड स्टॉप, इट सीम टू गो ऑन एंडलेसली। अब यहाँ पे एंडलेस दिया गया है, एडजेक्टिव, एंडलेसली एडवर्ब, तो यहाँ पे क्या यूज किया गया, एंडलेसली। एड क्वेश्चन टैग्स, सो यहाँ पे आंसर देखो क्वेश्चन टैग का, यू नो ही नीड्स ऑल द स्लीप एंड रेस्ट ही कैन गेट। सो होता क्या है कि आपको ये पूरा कैसे दिया गया है, सिंपल सेंटेंस में दिया गया है। तो जब आप क्वेश्चन टैग बनाते हो तो आपको नॉट लगाना होता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन में। सो यू नो ही, अब यू नो यहाँ पे कोई भी हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है, इज आर वॉज वेयर हैज हैव कुछ भी नहीं दिख रहा है। और हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब क्या यूज़ हुआ है, फर्स्ट फॉर्म यू नो, ठीक है। सो ये, और यहाँ पे वर्ब में एस से, सॉरी ये रहा वर्ब आपका यू नो द, ही नीड्स, ही नीड्स, तो नीड्स ये क्या है, वर्ब है और वर्ब में एस ए आई एस ऐड हुआ है। तो एस ए आई एस ऐड कब होता है, हमें कब दिखता है ये, तो वो दिखता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो जब हम उसका नेगेटिव बनाएंगे तो उसका डू नॉट या डज नॉट होता है, राइट। सो यू है तो यू के साथ तो डज आता नहीं है, क्योंकि मैंने आपको हमेशा बताया है आई वी यू दे इसके साथ यूज़ होगा डू, ही शी इट और सिंगुलर के साथ यूज़ होता है डज, ठीक है। तो यू है तो क्या आएगा, डोंट। सो पूरा का पूरा सेंटेंस वैसे ही लिखेंगे, कॉमा देंगे और क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब ढूंढ निकाला हमने, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो जब उसको नॉट नेगेटिव में करने जाएंगे तो डू या डज आएगा, बट यू है यहाँ पे तो हम डज नहीं डू लेंगे। सो क्या लिखेंगे, डोंट, डोंट के बाद क्या लिखेंगे, जो सब्जेक्ट है वो लिख देना होता है, ठीक है। यानी कि सब्जेक्ट जो है वो लिखेंगे हम कब, कब, हेल्पिंग वर्ब के बाद नेगेटिव ऐड करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूल वेक हिम अप। पता चल गया हमें यू के साथ विल यूज हुआ है, ठीक है, क्योंकि यू के साथ तो विल ही यूज होता है ना। सो अ विल नॉट जब होता है ना, तो कभी भी इसका कॉन्ट्रैक्शन ऐसे नहीं होता, वो हो जाता है वोंट। क्या हो जाता है, वोंट। इसके कुछ रूल्स हैं, ठीक है, क्वेश्चन टैग के भी। सो यू विल मेक हिम अप, पता चल रहा है सब्जेक्ट यू है, ओके। और ये भी सिंपल सेंटेंस, सिंपल में ही दिख रहा है हमें, क्योंकि कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं है यहाँ पे। तो जब हम इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो हमें नेगेटिव लगाना पड़ेगा, तो हमें ढूंढना है इसका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल, ठीक है, क्योंकि यू के साथ तो शैल होगा नहीं, तो इसका मतलब विल ही है, क्योंकि आई और वी के साथ शैल होता है, बाकी के साथ में विल होता है। ले लिया हमने इसका विल, क्योंकि अब विल के साथ नॉट लगना है तो वो वॉन्ट हो जाता है, और फिर सब्जेक्ट फटाक से हमें उसके बाद रख देना है। और क्वेश्चन टैग उसका नाम ही है क्वेश्चन टैग, तो क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है कभी भी। और जो आप लिख रहे हो ना, जब ये सेंटेंस ख़त्म होता है ना पूरा, तो सेंटेंस ख़त्म होने के बाद कॉमा लगाते हैं, वो कंपलसरी है, वो लगाना ही है हर जगह, देखो लगा हुआ है कॉमा 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 हर जगह, ओके।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं. हिज आईज वर शाइनिंग, हेल्पिंग वर्ब मिल गया, वर यूज हुआ है और ये भी सिंपल सेंटेंस है, नेगेटिव यूज नहीं हुआ है कहीं पे नेगेटिव वर्ड. तो हिज आईज वर, तो ये वर क्या यूज हुआ है, यानी कि वर शाइनिंग यानी ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, पता चल गया ना, क्योंकि वर यूज हुआ है, वॉज वर, तो किसका हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि यहाँ पे शाइनिंग आई एन जी भी एड हुआ है हेल्पिंग वर्ब वर्ब में, मेन वर्ब में. तो हम क्या करेंगे, वर है यहाँ पे, लेकिन अब यहाँ पे जो आपका वर मिल गया तो वर को हम नॉट ऐड करेंगे लेकिन कॉन्ट्रैक्शन में, वरेंट, वरेंट, ठीक है. तो हिज आईज वर शाइनिंग, हिज आईज वर शाइनिंग, हिज यानी उसकी. सो कैसे बनाएंगे, हिज आईज वर शाइनिंग वरेंट दे, वरेंट दे. आईज के बारे में बात की गई है तो आईज के लिए क्या यूज हुआ, दे, आंखों के बारे में. एक आईज, आंख की तो बात की नहीं है कि वरेंट इट बोले, वरेंट दे, दोनों आंखों की बात हो रही है तो वरेंट दे. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. वी मस्ट मस्टंट मिस द चांस. अब ऑलरेडी यहाँ पे एनओटी दे दिया गया है तो अब क्या करेंगे, अब सिंपल में बनाएंगे इसे. कैसे, देखो यहाँ पे वी मस्टंट मिस द चांस. सो वी मस्टंट मिस द चांस, मस्ट वी, क्या किया यहाँ पे, मस्ट वही जो हेल्पिंग वर्ब था वो लिया, मस्ट, और फिर सब्जेक्ट ले लिया मस्ट वी. द बॉय ऑन द बेड वॉज नॉट एज स्लीपी, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया. अब क्या करना है, विदाउट नॉट के यूज करना है, विदाउट नॉट के यानी कि फिर अफर्मेटिव में, द बॉय ऑन द बेड वॉज अवेक. क्या किया हमने, नॉट हटा के नॉट एज स्लीप को क्या कर दिया, अवेक कर दिया, ठीक है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. पर्सनल रिस्पॉन्स है यहाँ पे. टू कॉन्ट्राडिक्टरी पिक्चर्स आर डिपिक्टेड इन द पैसेज, डिस्कस इन पेयर्स एंड डिस्क्राइब देम इन योर ओन वर्ड्स. सो ब्रदर, भाई और बहन दोनों ही क्या थे, एक्साइटेड दिख रहे थे पंडित रविशंकर के आने वाले परफॉर्मेंस के लिए. गर्ल एक्सप्रेस एक्साइटमेंट एंड द बॉयज आईज आर शाइनिंग, उसके बच्चे की जो आंखें थी चमक रही थी. माँ ने हाउएवर इज मोर वरीड, उसकी माँ बहुत टेंशन में थी अबाउट द फिजिकल कंडीशन ऑफ हर सन, क्योंकि उसके बेटे को हमें पता है कि किस तरीके से वो बीमार था. सो उसकी कंडीशन को लेकर बहुत टेंशन में थी. हु इज ऑन ऑक्सीजन एंड अपेरेंटली आउट ऑफ बी ब्रेथ ब्रेथ. द मदर्स वॉइस ब्रेक्स वेन शी स्पीक्स एंड हर लिप्स अटर अनबिडन प्रेयर्स, प्रार्थना करने लगती थी. दीज आर द कॉन्ट्राडिक्टरी इमेजेस प्रेजेंटेड इन दिस पैसेज. एक तरफ तो लोग खुश भी हैं और एक तरफ माँ उसकी बीमारी को लेके किस तरीके से रोती है. स्मिता क्यों जाती है कॉन्सर्ट के लिए, मतलब क्यों रेडी नहीं होती जाने के लिए, क्योंकि उसे पता होता है कि उसका भाई, बिकॉज शी एंड हर ब्रदर अनंत हैड ऑलवेज डन थिंग्स टुगेदर, हम हमेशा एक साथ जाते थे, हमेशा एक साथ काम करते थे, इसलिए वो अकेले नहीं जाना चाहती थी. और उसके बेटे को, उसके भाई को क्या हुआ था, कैंसर हुआ था ना. तो यहाँ पे देखो दिया गया है ये आंसर, ये क्वेश्चन का जो आंसर, अनंत डिजीज डिजायर एंड इंटरेस्ट. सो डिजीज बीमारी क्या थी, कैंसर था, डिजायर क्या था, वो कॉन्सर्ट में जाना चाहता था, इंटरेस्ट किस में था, टेबल टेनिस और सितार. ईजी है बाकी सारी चीज़ें, यहाँ पे ट्रू फॉल्स है तो यहाँ पे मुझे नहीं था कुछ भी एक्सप्लेन करने जैसा है. अब यहाँ पे वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव एडजेक्टिव आया वापस से, तो ये चीज़ आप देख सकते हो. यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है. स्मिता का प्लान क्या था, ये आपने पढ़ा हुआ है चैप्टर में, कितना कुछ करती है वो अपने भाई के लिए. हैव यू एवर अटेंडेड एनी कॉन्सर्ट, हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस देयर, अगर आपने किया है तो बताइए. यहाँ पे दिया गया है येस में. सो अगर आपने नहीं किया है तो सिर्फ नो लिख देंगे, तो फिर नो का क्या आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है.
तो यहाँ पे यस में लिखिए ताकि आपको पर्सनल रिस्पॉन्स है तो आपको ज़्यादा मार्क्स के लिए ही आएगा, 2 मार्क्स या उससे ज़्यादा के लिए भी हो सकता है, तो फिर आई थिंक 2 मार्क्स ही होता है। किसने किससे कहा ये यहाँ पे दिया गया है, ये तो इजी ही है आपके लिए। तो आपको जब लेसन पढ़ना है तो बहुत ही ध्यान से पढ़ना है ताकि आपको क्वेश्चन आंसर ज़्यादा रट्टा मारने की ज़रूरत ना पड़े। एक्सप्लेनेशन नहीं है 10th का किसी का भी, किसी भी सब्जेक्ट का। अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए किसी भी चैप्टर का, किसी भी सब्जेक्ट का, तो कमेंट बताइए, मैं बना दूंगी उसका भी। और हिंदी का आई थिंक कुछ चैप्टर्स के थे एक्सप्लेनेशंस, क्योंकि मुझे 1-2 साल पहले ही जब बच्चों के कमेंट्स आए थे तो मैंने बनाए थे। तो फ़िलहाल तो मुझे डाइजेस्ट आंसर्स के लिए ही कमेंट्स आते हैं, तो वही मैं प्रोवाइड कर रही हूँ आपको। जितना जैसे मुझे कमेंट्स आते हैं मैं उतनी जल्दी ट्राई करती हूँ कि आपके लिए प्रोवाइड कर दूँ। तो आपको कोई भी वीडियो चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड तो कमेंट में बताइए, वो मिल जाएगा आपको। यहाँ पे मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि आंसर यहाँ पे अभी देखिए इजी है। अनंत 15 ईयर्स का लड़का था, 15 ओल्ड ईयर लड़का था और एक गांव में रहता था, उसका नाम था गगनपुर। अपनी बहन के साथ और अपने पेरेंट्स के साथ रहता था, बहुत ही एक्टिव था स्कूल में। ही वॉज़ अ गुड एथलीट, द बेस्ट टेबल टेनिस प्लेयर। तो ये सारी चीज़ें उसके बारे में दी गई हैं, तो ईजी हैं ये सारी चीज़ें, आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है तो। अभी क्या दिया गया है यहाँ पे, स्टोरी में इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स जो हैं 3, अनंत, स्मिता और आंट सुशीला, तो उनके बारे में यहाँ पे क्या क्या दिया गया है। देखिए स्पेशल ट्रेट्स उनमें क्या थी, तो देखो स्ट्रेंथ, तो स्मिता डेयरिंग थी, अनंत करेज उसमें था और आंट सुशीला कैसी थी, कंसर्न, जेनरोसिटी। वीकनेस क्या था, वो सारी चीज़ें दी गई हैं यहाँ पे। द टेक्स्ट मेंशंस नेम्स ऑफ स्टलवर्ट्स लाइक पंडित रविशंकर एंड उस्ताद अल्लाह रखा, बोथ हैव अर्नड वर्ल्ड वाइड नेम एंड फेम फॉर देयर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ म्यूजिक। म्यूजिक में इन दोनों ने ही बहुत ही अच्छा काम किया था। तो यहाँ पे देखो दिया गया है कि किस तरीके से उसके बारे में बताएं, तो यहाँ पे दिया गया है ये रहा। अब यहाँ पे राइट अ लेटर, ये आप अच्छे से देखिए, और लेटर वगैरह सब कुछ मैंने बहुत सारे लेटर राइटिंग, काउंटर व्यू, व्यू काउंटर व्यू, ये सारी चीज़ें मैंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन की रखी हैं, कर रखी हैं। तो आप देखिए प्लेलिस्ट में अलग अलग आपको मिल जाएंगे, हिंदी का भी अलग से मिल जाएगा, इंग्लिश का भी, मराठी का भी मिल जाएगा। और कोई भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन बताइए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ओके। और कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट बताइए, मैं ट्राई करूँगी कि आपको सारे ही जो भी आपको नीड हो जिस भी सब्जेक्ट जिस भी चैप्टर की, तो वो आपको मिल जाए, ओके।